हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका क्लास टेंथ का प्रतीक। और मैंने क्या गलतियां की थी क्लास टेंथ के अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, मैं वो आपको बताता हूं। पहली गलती जो मैंने की थी वो ये था कि मैंने अंडर एस्टिमेट किया था अपने आप को। मैंने सेल्फ डाउट में मैं रहता था, तो सबसे पहली गलती जो मैं एग्ज़ाम से बहुत दिन पहले कर रहा था वो यही थी कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, डाउट में था। लेकिन एक टाइम के बाद जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जब मैं चीज़ों को करने लगा, सैंपल पेपर लगाने लगा, तो मेरा सेल्फ डाउट खत्म हो गया। तो पहली गलती, प्लीज़ आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने की मत करिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी दूसरी जो गलती थी वो थी, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी को। हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी ज़्यादा स्कोरिंग, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन साइंस के पीछे हम भागते रहते हैं और हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने ऑल्दो मैंने लास्ट में आके काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 90+ स्कोर किया था हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में, लेकिन मुझे होता है कि अगर मैंने और अच्छे से स्कोर किया होता और अच्छे से पढ़ा होता तो मेरे कहीं 95-100 आ जाते। तो ये थी मेरी दूसरी गलती। तीसरी जो मेरी गलती थी, टाइम मैनेजमेंट। मैं टाइम को वेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन एनजाइटी और टेंशन के चक्कर में कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर मेरे एक टीचर ने मुझे बताया, मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दी कि प्रतीक जो है आप अपने टाइम को मत वेस्ट करो, अभी के लिए फल के बिना इच्छा किए हुए अच्छे से लग के मेहनत करते रहो। और मैंने वो किया, जिससे मेरा लास्ट के जो एक महीने थे उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी। तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, टाइम एनजाइटी और सारी चीज़ों में वेस्ट मत करो। केवल अपने तरफ से आप सबको मैं यही कहूँगा, खूब एक्शन लो। मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, तो आप भी वही। और मेरी जो फाइनल एडवाइस आपके लिए है वो ये है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, आप बहुत अच्छा करोगे। मैंने बहुत अच्छा किया था तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। और आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और आप भी अच्छे से करते रहोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, लगे रहो ऐसे।